कटिहार जिले में कई प्राचीन मंदिर है, साथ ही इससे जुड़े कई धार्मिक मान्यताओं के कारण बिहार के इस जिले में धार्मिक पर्यटन को लेकर अक्सर एक बेहतर संभावना रही है। यहाँ के कई प्राचीन धर्मस्थल मान्यताओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिसे सवारने के लिए अब बिहार सरकार पहल कर रही है। बिहार सरकार के सहयोग से जिले के कई प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उसे नया रूप दिया जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, हम लोग पर्यटन विभाग की ओर से गोरखनाथ मंदिर और हसनगंज प्रखंड स्थित भारीडीह मंदिर एवं बारसोई अनुमंडल स्थित बेलवा में सरस्वती मंदिर के पर्यटकीय दृष्टि से उसके उन्नयन के लिए हमने विभाग को कहा है। स्थानीय विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद खुद मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य में दिलचस्पी ले रहे हैं। जिले के मिर्चाई बाड़ी सार्वजनिक हनुमान मंदिर के कायाकल्प की फाइनल स्थिति का वो निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस जिले में धार्मिक पर्यटन की एक बेहतर संभावना है और इसे धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम सब पर्यटकीय दृष्टि से उसे आकर्षक बनाएंगे, इससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। बेलवा स्थित जो सरस्वती मंदिर वो तो आदि प्राचीन काल से है, भारीडीह और गोरखनाथ मंदिर भी काफ़ी प्राचीन काल से है। गोरखनाथ मंदिर आजमनगर में पूर्व से भी पर्यटन विभाग बिहार सरकार की ओर से राशि उपलब्ध कराई गई है, उसके सौंदर्यीकरण को विस्तार देने के लिए अब शेष राशि भी शीघ्र भेजी जा रही है। हनुमान मंदिर को क्या कटिहार की पावन धरती ऐसी धरती है, यहाँ पर पूर्वों से यहाँ के लोगों का ये संस्कार है कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप कैसे बदले, आपसी भाईचारा, धर्म के नाम पर कटिहार एकजुट है, इसमें कोई संकोच नहीं। 2 करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में कटिहार क्या ये पूरे नॉर्थ जोन में ये रमणीक रहेगा और धार्मिक का केंद्र बनेगा। यहाँ के लोगों का, हमारे 201 ट्रस्टी हैं, उनका काफ़ी योगदान है इस कार्यक्रम में, उनके द्वारा हर समय यहाँ पर हम लोगों को सहयोग मिला है। मैं कटिहार के तमाम नगरवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कटिहार जैसे जगह पर इतनी बड़ी और इतना भव्य मंदिर बनाने का हमें मौका दिया, क्योंकि मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक सह अध्यक्ष हूँ। ये जिम्मेदारी मुझे कटिहार के नागरिकों द्वारा मिला है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बताते चले कि लगभग 2 करोड़ से अधिक खर्च कर मिर्चाई बारी सार्वजनिक हनुमान मंदिर को नया रूप रंग दिया जा रहा है। राजस्थान के कारीगर द्वारा तराशे लाल पत्थर से इस मंदिर को आकर्षक और भव्य रूप देने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि निर्माण के बाद ये मंदिर कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।